आइए एक नजर डालते हैं उन बातों पर जो भगवान श्री गणेश के स्वागत के लिए आपको करनी है। घर को सजाए सवारे निखारे, इतना खूबसूरत हो घर कि उनके आने से पहले आपका घर देखते ही वे प्रसन्न हो जाए, मुस्कुरा उठे और कहें कि बस अब कहीं नहीं जाना, यही रहना है। सुख सुविधा आराम खुशियाँ जितनी आप गणपति के समक्ष रखेंगे उतनी ही उससे कहीं ज्यादा आपको प्रतिसाद में मिलेंगी। उनकी स्थापना का स्थान स्वच्छ रखें। सबसे पहले स्थान को पानी से धोएं, कुमकुम से एकदम सही व्यवस्थित स्वस्तिक बनाएं, 4 हल्दी की बिंदी लगाएं और 1 मुट्ठी अक्षत रखें। इस पर छोटा बाजोड़, चौकी या पता रखें, लाल केसरिया या पीले वस्त्र को उस पर बिछाएं और स्थान को रोशनी से सुसज्जित करें। इसके बाद चारों तरफ रंगोली, फूल, आम के पत्ते और अन्य सजावटी सामग्री से स्थान को सुंदर और आकर्षक बनाएं। आसपास इतना स्थान अवश्य रखें कि आरती की पुस्तक, दीप, धूप, अगरबत्ती, प्रसाद रख सके। अब सपरिवार आरती में शामिल होना जरूरी है, अतः किसी ऐसे कमरे में गणेश स्थापना करें जहां सभी पर्याप्त दूरी के साथ खड़े हो सके। इसके बाद एक तांबे का सुस्वच्छ कलश शुद्ध पानी भरकर आम के पत्ते और नारियल के साथ सजाएं। ये समस्त तैयारी गणेश उत्सव के आरंभ होने से पहले ही कर लें। जब गजानन को लेने जाएं, तो स्वयं नवीन वस्त्र धारण करें, यानी नए कपड़े पहने। पुरुष सिर पर टोपी, साफा या रुमाल रखें। स्त्रियां सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र के साथ समस्त आभूषणों को पहने। सुगंधित गजरा लगाएं। अगर उपलब्ध हो तो चांदी की थाली साथ में लेकर जाएं और ना हो तो पीतल या तांबे की भी चलेगी। सबसे आसान है लकड़ी का वस्त्र से सुसज्जित पाटा, साथ में सुमधुर स्वर की घंटी, खड़ताल, झांझ, मंजीरे लेकर जा सके तो अति उत्तम होगा। इसके बाद कराएं घर में प्रवेश। घर की मालकिन गणेश को लाकर द्वार पर रोकें। स्वयं अंदर आकर पूजा की थाली से उनकी आरती उतारें। उनके लिए सुंदर और शुभ मंत्र बोलें। आदर सहित गजानन को घर के भीतर उनके लिए तैयार स्थान पर जय जयकार के साथ शुभ मुहूर्त में स्थापित करें। सभी परिजन मिलकर कर्पूर आरती करें, पूरी थाली का भोजन परोसकर भोग लगाएं, लड्डू या मोदक अवश्य बनाएं, पंच मेवा भी रखें, प्रतिदिन प्रसाद के साथ पंच मेवा जरूर रखें।